विश्व विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बॉलीवुड वालों को चेतावनी दी है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यदि फिल्मों में सनातन धर्म से छेड़छाड़ करने वाले दृश्य ऐसे ही दिखाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब थिएटर्स और टॉकीज में फिल्में चलना मुश्किल हो जाएंगी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कलाकार, कथाकार और पत्रकार, ये सभी मार्गदर्शन है। यदि कलाकार अच्छी फिल्में बनाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी उन फिल्मों से कुछ अच्छा सीखेगी। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दूसरे धर्म को तो कोई बुरा नहीं दिखाता, लेकिन सनातन धर्म के मंदिरों को, मठों को और भारतीय परिधान को सब बुरा दिखाते हैं। ये सब बातें पंडित प्रदीप मिश्रा ने दतिया में कहा, जहां वो शिव महापुराण कथा कर रहे थे। आपको बताते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा की ये कथा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करवाई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा जब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो सही न्याय कर सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसी तरह वो कुर्सी पर बैठे रहें और सनातन धर्म की रक्षा करते रहें। हम पहले भी कथाओं के माध्यम से कहे हैं कि कलाकार, कथाकार, नीतिकार, सलाहकार, पत्रकार, ये सभी मार्गदर्शक हैं। कलाकार जो फिल्में बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, उसमें सही वस्त्रों को अगर हमारी बेटियों को पहनाएंगे तो उसको देखकर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन वस्त्रों को पहनेंगे। धर्म हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को अगर कलाकार सही तरह से प्रेषित करेंगे नाटकों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, तो जो नवयुवक टॉकीज में बैठकर या मोबाइल पर या टीवियों पर फिल्म देखते हैं, उनकी बुद्धि में हमारे सनातन धर्म की जागरूकता बढ़ेगी। पर आज सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि दूसरे धर्मों को तो कोई बेकार नहीं दिखाता, दिखाते हैं तो केवल हमारे सनातन धर्मों को, हमारे हिंदू धर्म को और हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को, मठ को, मंदिर को, ब्राह्मण को, संत को, साधु को, सन्यासी को, या भारतीय परिधान में रहने वाली उन माताओं को। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि निरंतर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर सनातन धर्म के लिए आगे बढ़कर बोलते हैं और उसके लिए कार्रवाई भी करते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत बहुत साधुवाद है और आप ऐसी ही कुर्सी पर बैठकर हमारे सनातन धर्म को पुरंदित करते रहे और आगे बढ़ाते हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कथा के मंच से कहा कि कथा वो होती है जो व्यथा को हर ले और जीवन का उद्धार कर दे। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र का व्यापार बढ़ता है। उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा कि मुझे एक टैक्सी वाला मिला जो दिन रात काम करके दूसरी टैक्सी खरीदने की बात कर रहा था। उसे चार दिन में ही इतना मुनाफा हो गया कि वो दूसरी टैक्सी खरीदने के लिए तैयार हो गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गरीब लोगों ने जो दैनिक रोजगार की दुकानें लगाई हैं उससे उनको बहुत मुनाफा हुआ है। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा से आग्रह किया गया है कि वो दतिया के अमन चैन का आशीर्वाद देकर जाएं। इस अवसर पर दंदरुआ धाम के संत श्री रामदास जी महाराज, पंडोखर धाम के संत गुरु शरण महाराज सहित अन्य संत महात्मा मौजूद थे। ये महाराज आपके आने से ये भक्ति का सागर ऐसा हो रहा है, महाराज आपकी कृपा ऐसी बरसी है। मैंने कल भी आपसे प्रार्थना की थी कि भगवान भोलेनाथ के लिए आप लगाई देना, दतिया में मेरे प्राण बसते हैं महाराज प्राण, इन दतिया वालों ने मुझे अंगीकार और स्वीकार किया है तो इस दतिया में कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए, सुख और समृद्धि इस दतिया में बरसा के जाना महाराज। आप इतने संत बैठे हो, पंडोकर सरकार, भुवनेश्वर सरकार, जगरगुआ सरकार, मेरी प्रार्थना है मुझे आपसे ये आशीर्वाद इस दतिया को जरूर देना कि मेरा दतिया धन धान्य से परिपूर्ण होगा, सुख संपदा से संपूर्ण होगा, वो शांति से संपूर्ण होगा, इतनी प्रार्थना है। बहुत बहुत नमन प्रार्थना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।